Hello everyone, I'm Dr. Mansoor, ICU in charge. ये जो कोरोना हमारे देश में फैल रहा है इसको लेके कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कोई 12th स्टैंडर्ड की किताब शो कर रहा है कि कोरोना वायरस की एस्प्रिन से, एंटीहिस्टामिनिक से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को फैलाना बंद कीजिए। ये कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, कोरोना इज़ अ फैमिली ऑफ अ वायरसेस, इसमें बहुत सारे वायरसेस हैं। और ये कोरोना COVID-19 जो है ये इस फैमिली का सबसे नया वायरस है, जिसके लिए अभी भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको नहीं पहचान पा रहा है, इसके अगेंस्ट में नहीं फाइट कर पा रहा है ठीक से, जिसकी हमने अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बनाई है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बनी है। तो इस वजह से जितनी भी ये सब फेक न्यूज़ हैं इनको फैलाना बंद कीजिए। सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, और इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है। इसके जितने भी केसेस सामने आए हैं सब के सब केसेस ये नहीं है कि जिनको लोगों को हुआ है वो सब मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में झूठी खबरें ये सब फैलाना बंद कीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि घर पे रहें, साफ़ सुथराई का ध्यान रखें, और इसके बारे में आप विटामिन सी ले सकते हैं, नींबू में होता है और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें होता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डेली आप विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जितनी भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उनको अगर आप तक पहुँचे हैं तो आपकी एक नागरिक होते हुए जिम्मेदारी है कि उसको आप आगे फॉरवर्ड ना करें। हाँ, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या जो भी आप हमारी सरकार कह रही है, जो भी PM कह रहे हैं, जो भी अथॉरिटीज़ कह रही हैं, उन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जनता कर्फ्यू लगाया, बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन वो जनता कर्फ्यू जनता के लिए, जनता के द्वारा था। उसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 7 से 9 तक आपने कर्फ्यू का पालन किया और 10 बजे से आप पार्टी करने निकल गए, दिस इज़ नॉट फेयर। जनता कर्फ्यू का मतलब ये था कि आपको आत्मसंयम रखना है अपने ऊपर। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है, जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन, कोई मेडिकेशन नहीं मिल जाता है, तो प्लीज़ 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 जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए।